आज का ये वीडियो इस चैनल का सबसे धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप YouTube के ऊपर में अपना करियर बनाना चाहते हो और YouTube चैनल स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने वाले हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिल रही, अगर ऐसा कोई भी आपका जो है प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप मेरे साथ एक महीने के अंदर अपने यूट्यूब करियर को सक्सेसफुल बना सकते हो। और जैसे बहुत सारे अदर यूट्यूबर सक्सेसफुल होने के बाद लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, तो आप भी कमाना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना है मेरे साथ में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यूट्यूब मास्टरी कोर्स एंड 100% फ्री। 100% फ्री कहने का मतलब है कि आपको एक रुपया भी नहीं देना है। अगर आपको लगे कि पैसा देना है तो आप मुझे गुरुदक्षिणा दे सकते हो, फिर 2 लाख 4 लाख 10 लाख जितना भी देना हो दे देना, मेरा बैंक अकाउंट नंबर आपको दे दूंगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जो है सक्सेसफुल होने के बाद में गुरुदक्षिणा देनी है या नहीं। लेकिन मेरी तरफ से ये पूरा कोर्स 100% फ्री होने वाला है। तो चलिए मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं YouTube का मास्टर फ्रेमवर्क के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर फ्रेमवर्क में सबसे पहले आता है आपका रिसर्च, यानी कि कोई भी कंटेंट अगर आप रिलीज करना चाहते हो उससे पहले आपके पास में रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चीज मैं बनाने जा रहा हूं, जो वीडियो बताने जा रहा हूं, क्या उसको लोग सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो डेफिनेटली इसके लिए मैंने पहले रिसर्च करी, देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बन तो रहे हैं, यूट्यूब चैनल ओपन तो हो रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे। अब उनके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज उनको मास्टर फ्रेमवर्क नहीं पता। तो चलिए जो है आप मेरे साथ कंप्लीट मास्टर फ्रेमवर्क जो है फ्री में करिए। पहला आता है रिसर्च, यानी मैंने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। सेकेंड आता है आपका कंटेंट स्ट्रेटजी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला ही ऐसा बंदा हूं जो YouTube के ऊपर मैं बता रहा हूं कि भैया YouTube का मास्टरी कोर्स जो है अगर आप करना चाहते हो तो मेरे साथ करो, नहीं, ऐसे बहुत सारे अदर भी हैं। तो ऐसे में उनको कंपीट करके मुझे अगर नंबर वन पे आना है तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे कंटेंट के ऊपर में स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी मैंने ये लगाई कि लोग जो है यहां पर हमेशा यूट्यूब के बेसिक चीजों के बारे में बताते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन उनके साथ में क्या काम हो रहा है, कैसे वो है सक्सेसफुल हो रहे, ये नहीं बता रहे। तो यही जो है मेरी कॉन्टेंट की स्ट्रेटजी है। आज के इस वीडियो के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना डिटेल में और कितना डेप्थ में जो है आपको ये पूरा कोर्स सिखाने वाला हूं, और वो भी 1 मंथ के अंदर आपका यूट्यूब का सक्सेस होने की गारंटी डेफिनेटली अगर मेरा जो फ्रेमवर्क है मास्टर उसको फॉलो करेगी तो। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सी, यानी कि कंसिस्टेंट वीडियो प्रोडक्शन, यानी कि कंसिस्टेंट भी रहना जरूरी है। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि अगर आप YouTube के एल्गोरिदम को हैक करना चाहते हो, एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना चाहते हो और चाहते हो कि YouTube आपके एक वीडियो को, आपके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाए, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। एक एक टॉपिक बता रहा हूं क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में जो है कोर्स के दौरान फ्री में सिखाने वाला हूं। सेकेंड उसके बाद में आता है यू, यानी कि अपलोड सर्चेबल कंटेंट। अगर मान लो सर्चेबल कंटेंट कहने की बात है तो लोग क्या करते हैं, मेरी निश क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने क्या करा, अब वायरल क्या चला गया, अबे बीकानेर के पास में एक धरती जो है वो जमीन में धस गई, तो मैं उसको अपने कंटेंट चैनल पर डाल रहा हूं, क्या फायदा उसका, वो मेरे लिए सर्चेबल कंटेंट नहीं है। सर्चेबल कंटेंट है कि मेरा जो चैनल है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालनी है। और यही यहां पर मैं YouTube का कोर्स सिखा रहा हूं तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो यानी कि ये एक सर्चेबल कंटेंट है। डेली ना जाने कितने हजारों लोग जो हैं YouTube के ऊपर में अपने चैनल बनाते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो यानी कि सर्च किया जा रहा है तो ये मैं अपलोड कर रहा हूं। फिर आता है आपका क्रिएट सिमिलर कॉन्टेंट। क्रिएट सिमिलर कंटेंट कहने का मतलब है कि अब अगर मेरे चैनल के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स जो है कंटेंट मैं डाल रहा हूं, तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा सा सब्जेक्ट तो है नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। उसके अंदर SEO आता है, उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट की भी कई सारी टेक्निक्स आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। लेकिन उन सभी डोमेन में से, उन सभी अलग अलग जो टॉपिक्स हैं
उनमें से मेरी जो ऑडियंस है वो क्या देखना पसंद कर रही है, क्या वो एसईओ को ज्यादा देख रही है, क्या वो मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग को देख रही है, क्या वो मेरे वेब डेवलपमेंट को देख रही है, तो मेरी ऑडियंस जो है वो किस तरह का कंटेंट देख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपना कंटेंट जो है वो अपलोड करना है। फिर आपका आता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। अब ये जो नए चैनल्स होते हैं ना उसके ऊपर में ये चीज आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन YouTube ने अपने एल्गोरिदम को इतना परफेक्ट बनाया है और जो उसका YouTube का स्टूडियो है उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छे आपको टूल्स देके रखे हैं, तो आपको पेड टूल की जरूरत ही नहीं है, लाइक पेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। तो अगर आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हो तो आपको YouTube के द्वारा दिया गया जो टूल है उसी का इस्तेमाल करना है, उसको समझना है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो डेफिनेटली हम फेल होते रहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलते हैं सक्सेस होना है ये वाला टूल ले लो, सक्सेस होना है ये वाला टूल ले लो, सक्सेस होना है मैं सक्सेस हूं क्योंकि मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। YouTube ने खुद का एल्गोरिथम इतना परफेक्ट डिजाइन किया है, उसी को अंडरस्टैंड करके अगर आप काम करते हो तो गारंटी देता हूं कि आप सक्सेस होंगे ही। फिर उसके बाद में आता है यहां पे कंटेंट इंजन। सो बेसिकली कंटेंट इंजन का क्या कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। लेट्स से कि आपका एक लेडीज फैशन का आपका एक चैनल है। अब उस लेडीज फैशन के ऊपर में आप क्या कर रहे हो, 10 साल से लेके 18 साल तक की जो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो मान सकते हैं कि कुछ एयरिंग्स वगैरह हैं या कोई भी आइटम्स हैं जो उनको इस्तेमाल की जाती हैं, वो वहां पर आप उनके बारे में रिव्यूज कर रहे हो या फिर उनके बारे में आप सेलिंग कर रहे हो, तो आपका टारगेट ऑडियंस अगर वो नहीं है, आपका टारगेट ऑडियंस जो है उनकी जो एज है वो 22 साल से लेट्स से 32 साल तक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने चैनल पे गलत कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहे हो। आपको आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो कंटेंट है वो अपलोड करना चाहिए। तो बेसिकली कंटेंट इंजन के अंदर मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कैसे ये समझेंगे कि आपकी ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट जो आप बनाते हो उसमें से कौन सा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, सो दैट कि सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट अगर आप अपलोड करोगे तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, आपके व्यूज बढ़ेंगे और डेफिनेटली वॉच टाइम इंक्रीज होगा, एड इंक्रीज होगी तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक अगर मैं अभी यहां पे शूट कर रहा हूं तो मेरे सामने लाइटिंग्स भी हैं, मेरे यहां इस तरफ में भी लाइट है, मेरे इस तरफ में भी लाइट है, मेरे फ्रंट साइड पे भी लाइट है, तब जाकर जो है ये एक परफेक्ट जो है वो एंगल बन पा रहा है, क्लियरिटी बन पा रही है। मेरे बैक साइड पे जो है अभी आपको जो दिख रहा है ये नहीं था, यहां पर एक ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी। मैं एडिटर महोदय से बोलूंगा कि बीच में से थोड़ा सा एक जो है ये बैकग्राउंड को रिमूव करें और जो ओरिजिनल था वो एक बार दिखा दें, तो थैंक यू एडिटर महोदय दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना साउंड का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब साउंड की बात करें तो मेरी ओरिजिनल जो साउंड है, मैं एडिटर महोदय से एक बार फिर पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड हुई है वो भी सुना दे, फिर उसके बाद में जो हमने मेहनत करी है वापस वो सुना दे। चलिए थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है साइंस ऑफ पब्लिशिंग। साइंस ऑफ पब्लिशिंग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। साइंस ऑफ पब्लिश कहने का मतलब है भाई मैं मेरे हिसाब से क्यों डालूं, मेरा दिल कर रहा है मैं सात, मेरा चैनल है, बहुत लोग मेरा चैनल है मैं 7 बजे डालूं, 8 बजे डालूं, सुबह डालूं, शाम को डालूं, दोपहर को डालूं, नाइट को, कब मेरा मन होगा तब मैं पब्लिश करूंगा। ये गलत है, ये गलत है। आपको जो है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एल्गोरिदम में जाकर देखो, समझो कि आपका ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव होता है। जब एक्टिव होगा तब जब आप पब्लिश करोगे तो क्या होगा कि आपका व्यूज ज्यादा आएंगे, आपकी जो वॉच टाइम है इंक्रीज होगी। तो पहला जैसे ही पब्लिश करोगे वैसे ही ज्यादा अगर आपको बूस्ट मिलता है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम को लगेगा कि भाई आपका कॉन्टेंट के अंदर दम है। भाई कोई इंसान नहीं बैठा, एल्गोरिदम एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, राइट, टेक्निकल कुछ कमांड्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर वो समझता है कि हाँ ये कंटेंट विदम है, वो ज्यादा से ज्यादा जो सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस होती है वहां तक भी ये पहुंचा देता है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट साइंस ऑफ पब्लिशिंग। फिर आता है आपका एनालाइजिंग।
एनालाइजिंग द वीडियो परफॉर्मेंस, ये जो बिहाइंड द सीन टाइम जो टीम काम करती है ना, जो दिखती नहीं है पर एग्जिस्ट जरूर करती है। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर सक्सेसफुल हो चुके हैं वो अकेला ही अपने आप को या अकेली ही अपने आप को दिखाता है या कुछ लोगों को दिखा देते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उनके पास में एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है। आज जो वीडियो पब्लिश हुआ है वो 10 दिन बाद में भी उस पर व्यूज आते रहे, 1 महीने बाद भी व्यूज आते रहे, 1 साल बाद भी व्यूज आते रहे, 1 सदी सदी ज्यादा हो जाएगा छोड़ो उसको, है ना, उसके ऊपर व्यूज आते रहे। तो इसके ऊपर में काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टीम होती है। हालांकि अभी मेरा कैमरा जो है वो एक जगह पे स्टिल है, नहीं तो अगर कैमरा मैन यहां पे होता तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता कि मेरी टीम भी दिखा दे। खैर एनीवेज फिर दिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है भैया राम राम जपना पराया माल अपना मोनेटाइजेशन, जिसके लिए काम कर रहे हैं। सो बेसिकली यहां पर जो है काम किया जा रहा है पैसे के लिए। अगर यूट्यूब के ऊपर में कोई बोलता है ना मैं फेमस होने के लिए आया हूं, डेफिनेटली आए हो, 6-8 महीने काम करके देखो फ्री में मोनेटाइजेशन के, अगर आप टिक गए तो आप फेमस हो सकते हो। लेकिन एंड रिजल्ट की बात करें, एंड गोल की बात करें, तो एंड रिजल्ट यही होता है भैया मोनेटाइजेशन, यानी पैसा आना चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा और पैसा जल्दी कैसे आएगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर पैसा नहीं आया, 2 महीने में पैसा नहीं आया, 3 महीने में पैसा नहीं आया, तो अपने अंदर के इंसान को जगाए रखो, अपने अंदर के क्रिएटर को जगाए रखो, हिम्मत बनाए रखो। लेकिन जैसे 5वां महीना क्रॉस होता है फिर मोरल टूट जाता है, यार छोड़ व्यूज भी नहीं आ रहे, वॉच टाइम भी नहीं इंक्रीज हो रहा, अब क्या करें, छोड़ यूट्यूब को, बेकार है, और बंद हो जाता है चैनल। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मोनेटाइजेशन अगर टाइमली करना है तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेरा पूरा मास्टर फ्रेमवर्क के साथ में, क्योंकि एक वीडियो के अंदर तो सारी चीजें सिखाई नहीं जा सकती, तो 1 महीने के अंदर मैं पूरा कंप्लीट यूट्यूब मास्टर कोर्स जो है ये अपलोड करने वाला हूं, यूट्यूब के ऊपर नहीं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com पे। तो अभी आप बोलोगे सर आगे ना बेचने पे, कर दी ना वही बात जो एंड में कि मैं बेच नहीं रहा हूं भाई, फ्री में दे रहा हूं। एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप समझ सके, आप उसको इंप्लीमेंट कर सके, और जैसे मैं सक्सेस होऊंगा वैसे आप भी सक्सेस हो सके। सो बेसिकली यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है जो कि फ्री है, बिना टेंशन के क्लिक करना, एनरोल पे क्लिक करना, अपना ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना, अपनी डिटेल ऐड करना, एंड हो गए आप रजिस्टर। तो उसके बाद जो है डेली बेसिस पे आपको 2-3-4 जितनी भी हो सकेंगी वीडियोस आपको मिलेंगी, उन वीडियोस को आपने 1 by 1 करके देखना है, और देखने के बाद इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद में हफ्ते में एक दिन मैं आऊंगा आपके साथ में लाइव, जहां पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं, कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, मान लो व्यूज नहीं आ रहे, मैं तो फॉलो कर रहा हूं लेकिन फिर व्यूज नहीं आ रहे, मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन जो है उसके ऊपर में ग्रो नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो उसके लिए हर हफ्ते आपके लिए आने वाला एक लाइव डाउट सेशन, जहां पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। और जब सक्सेस हो जाए तो फिर वापस वही बोलूंगा, मेरा बैंक अकाउंट ले लेना और उसके बाद में गुरु दक्षिणा उसके अंदर डाल देना, ठीक है जी। चलिए आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना है भाई, वो नहीं भूलना, लाइक भी करना है, उसके बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उस लिंक पे क्लिक करना है और खुद को फ्री में एनरोल करना है। चलिए मैं मिलता हूं एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए आइडिया के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।